हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अंधविश्वास से संबंधित अंग्रेजी और हिंदी शब्द। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अंधविश्वास। जैसे घर से निकलते समय खाली बाल्टी मिल जाए या बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग रुक जाते हैं, तो यही सब अंधविश्वास है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन अंधविश्वास। नेक्स्ट वर्ड है अंधविश्वासी। जो अंधविश्वास को मानता हो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी। नेक्स्ट वर्ड है जादू या मंत्र। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इनकैंटेशन, इनकैंटेशन जादू या मंत्र। नेक्स्ट वर्ड है काला जादू। काला जादू दुष्ट शक्तियों की सहायता से अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाने वाला एक जादू है, तो काला जादू को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक मतलब काला जादू। नेक्स्ट वर्ड है इंद्रजाल। इस जादू का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इंद्रजाल को हम इंग्लिश में बोलेंगे वाइट मैजिक, वाइट मैजिक मतलब इंद्रजाल। नेक्स्ट वर्ड है मोहित करना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बावेच, बावेच मतलब मोहित करना। नेक्स्ट वर्ड है ताबीज। ताबीज को इंग्लिश में बोलेंगे एमुलेट, एमुलेट या आप इसे बोल सकते हैं टालजमन, टालजमन मतलब ताबीज। नेक्स्ट वर्ड है बुरी नज़र। बुरी नज़र को इंग्लिश में बोलेंगे इवल आई, इवल आई मतलब बुरी नज़र। नेक्स्ट वर्ड है नज़रबट्टू। नज़रबट्टू नींबू और मिर्च को गूंथ कर बनाया जाता है, जिसे घर या दुकान में टांगने से बुरी नज़र नहीं लगती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इवल आई वाटर, इवल आई वाटर नज़रबट्टू। नेक्स्ट वर्ड है टोटका। टोटका को इंग्लिश में बोलेंगे रेमेडी, रेमेडी मतलब टोटका। नेक्स्ट वर्ड है जादू टोना। जादू टोना को इंग्लिश में बोलेंगे विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट मतलब जादू टोना। नेक्स्ट वर्ड है ओझा या जादूगर। इसे इंग्लिश में बोलेंगे विजर्ड, विजर्ड मतलब ओझा या जादूगर। नेक्स्ट वर्ड है डायन या जादूगरनी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे विच, विच डायन या जादूगरनी। नेक्स्ट वर्ड है डायन की झाड़ू। इसे इंग्लिश में बोलेंगे विच ब्रूम, विच ब्रूम मतलब डायन की झाड़ू। नेक्स्ट वर्ड है जादू की छड़ी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मैजिक वांड, मैजिक वांड जादू की छड़ी। नेक्स्ट वर्ड है बुरी नज़र उतारना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कास्ट ऑफ द ईवल आई, कास्ट ऑफ द ईवल आई मतलब बुरी नज़र उतारना। नेक्स्ट है बुरी नज़र लगाना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कास्ट द ईवल आई, कास्ट द ईवल आई बुरी नज़र लगाना। नेक्स्ट है बुरी नज़र बचाना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वार्ड ऑफ द ईवल आई, वार्ड ऑफ द ईवल आई बुरी नज़र बचाना। नेक्स्ट वर्ड है बुरी नज़र लगना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैच द ईवल आई, कैच द ईवल आई बुरी नज़र लगना। नेक्स्ट वर्ड है आँखों का फड़कना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्विच, ट्विच मतलब आँखों का फड़कना। नेक्स्ट वर्ड है नज़र ना लगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टच वुड, टच वुड मतलब नज़र ना लगे। नेक्स्ट वर्ड है शगुन। शगुन को इंग्लिश में बोलेंगे ओमन, ओमन मतलब शगुन। नेक्स्ट वर्ड है अच्छा शगुन। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड ओमन, गुड ओमन मतलब अच्छा शगुन। और अब शगुन को हम इंग्लिश में बोलेंगे बैड ओमन, बैड ओमन अपशगुन। नेक्स्ट वर्ड है अभिशाप। अभिशाप को इंग्लिश में बोलेंगे कर्स, कर्स या आप इसे बोल सकते हैं मालडिक्शन, मालडिक्शन मतलब अभिशाप। नेक्स्ट वर्ड है आशीर्वाद। आशीर्वाद को इंग्लिश में बोलेंगे ब्लेसिंग, ब्लेसिंग या आप इसे बोल सकते हैं बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद। नेक्स्ट वर्ड है शुभ मुहूर्त। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस टाइम मतलब शुभ मुहूर्त। नेक्स्ट वर्ड है अशुभ मुहूर्त। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन ऑस्पिशियस टाइम, इन ऑस्पिशियस टाइम मतलब अशुभ मुहूर्त। तो
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सन टीच चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।